Last time, Standard 10, Chapter Number 8, Introduction to Trigonometry, Exercise Number 8.4, Question Number 1. फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करें, उसके पहले हमने जो हेक्सागोन का यूज करके हमने अलग अलग फॉर्मूला फाइंड आउट की थी उसको एक बार देख लेते हैं। हेक्सागोन बनाने की ट्रिक, साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक एंड टेन। साइन के ऑपोजिट कॉसेक, कॉस के ऑपोजिट सेक, कॉट के ऑपोजिट टेन। सी 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 एक साइड, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच में हम वन रख देते हैं। ओके, क्लियर। इसका यूज करके डिफरेंट टाइप की फॉर्मूला हमने देखी, लेकिन पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में 8.4 में स्क्वायर वाली फॉर्मूला आएगी। उसको हमने किस तरह से बनाया था, तो हमने देखा था कि हम पैरेलल लाइन बनाएंगे, इन दोनों की पैरेलल लाइन और दिस, मतलब पहला आया साइन कोस इज इक्वल टू वन, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दूसरा यहां पे था पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इंक्लाइन लाइन, वन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। एंड तीसरा यहां से टेन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। ओके, इसका यूज करके हम डिफरेंट सिक्स फॉर्मूला और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर यानी प्लस को दूसरी साइड भेज दो, या कॉस स्क्वायर यानी साइन को दूसरी साइड भेज दो, वो हमने हमारे वीडियो में अच्छे से देखा है, लेकिन इसका यूज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो आपको इस तरह से ग्राफ में ड्रॉ करना आना चाहिए। अभी पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कोस ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यहां पे आपको साइन ए कोस ए एंड टेन ए को कॉट के फॉर्म में दिखाना है, मतलब मान लीजिए कि साइन ए है, तो साइन ए इज इक्वल टू इस तरह से आपको टर्म लिखनी है जिसमें सभी में कोट ही होना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि साइन इज इक्वल टू कोस अपॉन कोट आता है, तो साइन मतलब कोस अपॉन कोट आया, कोट आया लेकिन उसमें कोस भी है कि नहीं, तो वो नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी साइन हो तो साइन के साथ कोसेक भी आ गया। मान लीजिए कि कोसेक एंड कोट का कुछ रिलेशन होता हो, तो उस रिलेशन में कोसेक की जगह पे हम साइन रख सकते हैं, तो वो साइन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो आप सोचिए कि कोसेक एंड कोट का कुछ रिलेशन है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि कोसेक एंड कोट का रिलेशन यहां पे स्क्वायर वाले में है। कोसेक एंड कोट का रिलेशन स्क्वायर में है, क्या है वे? पहले हम साइन ए के बारे में बात करें, साइन ए के बारे में, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि एज वी नो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां पे ए है इसलिए हम ए लिख रहे हैं। तो कोसेक क्या है, वन अपॉन साइन होता है, तो हमने लिख दिया वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये जैसे है वैसे ही रख दिया। ओके, अब इसको इन्वर्स करते हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमेरेटर में भेज दे, तो यहां पे ये जो न्यूमेरेटर है वो नीचे आ जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमने इसको ट्रांसपोज किया, ये नीचे है इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर, ये ऊपर है वो इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो नीचे। क्लियर, सिंपल। अभी देखो साइन ए में साइन स्क्वायर ए का अगर हम फॉर्म देखें तो ये आया जिसमें सभी में कोट ही है, कोट के अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ साइन चाहिए इसलिए स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो साइन मतलब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन वन प्लस और स्क्वायर ए, वन का स्क्वायर रूट वन, और यहां पे सिंपल इसके ऊपर ही स्क्वायर रूट डालो तो साइन मिल गया। ये हमारा आंसर कि साइन को हमने कोट के फॉर्म में दिखाया। इसी तरह से दूसरा है कोस, कोस को टेन, कोस को कोट के फॉर्म में दिखाओ, कोस को कोट के फॉर्म में दिखाओ। तो फ्रेंड्स, यहां पे कोस का कोट के रिलेटेड या कोस का सेक के रिलेटेड कहीं पे भी है, कोट एंड कोस या कोट एंड सेक, क्योंकि सेक यानी कोस का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है, लेकिन यहां पे दिखाई दे रहा है कि कहीं पे भी नहीं, लेकिन साइन एंड कोस का है। अभी देखो साइन को अगर हम एक कोस के फॉर्म में दिखा सकते हैं तो कोस को भी दिखा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको साइन की वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम कोस के बारे में बात करते हैं, कोस के बारे में।
तो हम यहां पे इक्वेशन लिखे साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन होता है। तो मैं कॉस स्क्वेयर की वैल्यू मुझे लेनी हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं वन माइनस साइन स्क्वेयर ए, यस और नो? अभी साइन की वैल्यू तो मुझे पता है कि नहीं, साइन स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर की वैल्यू तो यहां पे आपको पता है कि नहीं, बस वो वैल्यू रख दो। तो यहां पे देखो सारे कोट में है तो कोस भी कोट के फॉर्म में हो गया कि नहीं, मतलब क्या हुआ कि पहले का यूज करके हमने दूसरे का आंसर है वो फाइंड आउट किया। मतलब यहां पे क्या हुआ वन माइनस साइन स्क्वेयर ए की जगह पे वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वेयर लगा सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, क्लियर? ये हमारा आंसर है। लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, मतलब आपको इसको अभी आगे सोल्व करना है कि यहां पे जैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन का देखा था कि भाई थ्री इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन होता हम क्या करते हैं, टू थ्री सार सिक्स, सिक्स प्लस वन यानी सेवन अपॉन टू होता है। तो मान लीजिए कि इस तरह से होता तो हम क्या करते हैं टू थ्री सार सिक्स, सिक्स प्लस वन यानी सेवन अपॉन टू लिख दो। तो वही यहां पे रूल आपको यूज करना है। तो इसको हम फिर से लिखते हैं वन माइनस वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, ये वन अपॉन ये नीचे जो डिनोमिनेटर में वन प्लस कोट स्क्वेयर है वो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से आएगा माइनस के माइनस वन के वन और नीचे वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, ये प्लस वन माइनस वन कट तो रिमेन क्या रहा कोट स्क्वेयर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, मतलब कोस ए की वैल्यू, कोस ए को अगर हमको कोट में दिखाना हो तो इस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब इसको हमने यहां पे सॉल्व किया। एंड नेक्स्ट है टेन ए, तो टेन यानी वन अपॉन कोट तो हो गया कि नहीं कोट ए, टेन का तो इजी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, जो डिफरेंट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कोस कोट टेन कोसेक उसको सेक के फॉर्म में दिखाओ जैसे अभी हमने किया था वैसे। तो पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको हम देख लेते हैं, साइन कोस कोट कोसेक सेक एंड टेन बीच में वन। तो यहां पे हम इस तरह से लाइन बनाएंगे साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, वन प्लस कोट स्क्वेयर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर एंड टेन स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हैं। याद रखने के लिए एस सी 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 एस टी, एस टी सी सी एस सी उस तरह से भी आप याद रख सकते हो। एस टी यानी सेक माइनस टी, मतलब सेक एंड टेन का रिलेशन, सी सी यानी कोट एंड कोसेक एंड एस सी तो साइन एंड कोस। अभी फ्रेंड्स सेक को पहला साइन का साइन को दिखाते हैं, पहला साइन, अभी साइन को सेक के फॉर्म में दिखाना है तो सेक यानी कोस होता है कि नहीं? तो अगर हम साइन को कोस के फॉर्म में दिखाएं और बाद में उस कोस को सेक में कन्वर्ट कर दे तो हो जाएगा कि नहीं? तो अभी हमारा टास्क ये रहा कि साइन एंड कोस का कहीं पे रिलेशन है, यस कहां है, पहला ही क्या है साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। तो साइन स्क्वेयर यानी क्या हुआ वन माइनस कोस स्क्वेयर हुआ कि नहीं, ए लगा ले जाना है सभी में। तो कोस यानी वन अपॉन सेक स्क्वेयर हुआ कि नहीं, यस और नो? अभी सेक ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वेयर माइनस मल्टीप्लाई बाय वन यानी सेक स्क्वेयर माइनस वन अपॉन सेक स्क्वेयर, सेक स्क्वेयर का मल्टीप्लाई वन के साथ माइनस वन अपॉन सेक स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, ये हमारा आंसर हुआ। अभी ये स्क्वेयर में है हमको सिर्फ साइन के फॉर्म में दिखाना है इसलिए ये स्क्वेयर दोनों का रूट हो जाएगा तो ऊपर सेक स्क्वेयर माइनस वन और नीचे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कट हो जाएंगे तो क्या आएगा सेक ए, ए सब में लगा दिया तो ये साइन के फॉर्म में हो गया। कोस के फॉर्म में, तो कोस के फॉर्म में दिखाना हो तो
तो कोस का तो इजी है, कोस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए, क्लियर। नेक्स्ट है टेन ए, टेन ए को किस तरह से दिखा सकते हैं, तो टेन यानी क्या होता है फ्रेंड्स, साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन अपॉन कोस ले लो, तो साइन भी सेक के फॉर्म में है, कोस भी सेक के फॉर्म में है, तो टेन भी सेक के फॉर्म में ही आएगा, तो टेन यानी साइन अपॉन कोस, साइन की वैल्यू क्या है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, कोस की वैल्यू क्या है, वन अपॉन सेक ए, दोनों का डिनोमिनेटर कट, तो आंसर क्या आया, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो टेन की फॉर्म में हो गया। अभी कोट यानी वन अपॉन टेन, तो वन अपॉन टेन की वैल्यू क्या आई, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो कोट का फॉर्म सेक में हो गया। एंड लास्ट वन कोसेक, कोसेक यानी वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन यानी साइन की जो वैल्यू है उसका इनवर्स, मतलब सेक, देखो साइन की वैल्यू उसका इनवर्स लिखना है या हम लिखते हैं, चलो ना, वन अपॉन सेक स्क्वायर माइनस वन अपॉन सेक, अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, तो आंसर क्या आया, सेक ए अपॉन इन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इस तरह से कोसेक की वैल्यू सेक के फॉर्म में आ गई, और सेक तो सेक में ही, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में इस तरह से हम सारे ले सकते हैं। यहां पे फ्रेंड्स आपने एक ऑब्जर्व किया हो तो आपने एक ही फाइंड आउट किया है साइन का, बाकी तो उसका रूल उसका यूज करके बाकी आपने फाइंड आउट किया, साइन का आपने यूज किया, उसकी वैल्यू आपने कोस में रखी, मतलब कोस को सेक में ही आ गया, वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है। टेन मतलब साइन अपॉन कोस, कोट यानी वन अपॉन टेन, कोसेक यानी वन अपॉन साइन, मतलब हम जितना सोचते हैं उतना कुछ हार नहीं होता। आपको यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने जब आगे क्वेश्चन किए थे तब उसमें डिनोमिनेटर में रूट वाले डिजिट की आइडेंटिटीज नहीं होती थी, लेकिन यहां पे तो रूट वाले आंसर में है, हमको आंसर में ही रूट दिया गया है और वो सही भी होता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन हुआ क्या, होना चाहिए, लेकिन हमको यहां पे आंसर में इसी जगह तक है, इसलिए हम यहां पे स्टॉप कर लें।